अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो भाई हम जा रहे हैं आज डेजर्ट, और डेजर्ट में हम आज करेंगे फुल तफरी। और हमने ये सामान ले लिया है, पीछे हमारे वलीद भाई बैठे हुए हैं, ये हमारे अब्दुल भाई गाड़ी चला रहे हैं। और अभी हम डेजर्ट में देखें नाइट में हम क्या करते हैं। और हम डेजर्ट के लिए सामान लेने के लिए आ चुके हैं, और ये देखें ये इस तरीके का होता है, और ये बीच में बारबेक्यू होता है, और चारों तरफ ये इस तरीके से टेंट लगता है। ये देखिए एक ये रखा हुआ है, एक ये है कैंपिंग के लिए। देखिए ये सामान ये रखा हुआ है। तो अभी हम डेजर्ट के लिए सामान खरीद रहे हैं, तो फिर उसके बाद हम आ जाएंगे। हाँ भाई ये सही है, फिर ये ले लें। हाँ सही है, ये ऑफिस में भी रख सकते हैं। हाँ शेख लोग आएगा ना, ऑफिस में मीटिंग करेगा, इसमें बैठ के डाबा बना के देगा, बस। या वो ले लें कैंप के लिए ये चीज़। ये अच्छा है ना। चलो भाई देखते हैं अभी कौन सा लेते हैं, फिर डेजर्ट में आगे वहाँ पर। ये बारबेक्यू के लिए है बेसिकली, सेंटर वाला, और बारबेक्यू के लिए है। हमने जो ले लिया है वो रेड वाला, ये वाला, ये रेड वाला जो है वो ले लिया हमने, लेकिन खूबसूरती में ये वाला है रेड के मुताबिक, वो रेड है, तो वो डन कर दिया। तो भाई हमने सामान जो है वो ऑलमोस्ट ले लिया है डेजर्ट के लिए, और अभी हमारी गाड़ी जो है वो ये एक गाड़ी ये खड़ी है, एक उस साइड पे खड़ी भी है। तो सामान ऑलमोस्ट ले लिया है, और अभी हम जाएंगे डेजर्ट पे और वहाँ पे कैंपिंग करेंगे पूरा। वहाँ पे अभी हमने सेटअप वगैरह करना है, और पूरा मतलब जो भी अपने कैंप वगैरह ख़रीदा है वो सेटअप करना पड़ेगा, और उसके बाद जो है वो बारबेक्यू का सेटअप वगैरह हर चीज़। तो मतलब हम 5-6 घंटे, हम होल नाइट नहीं, 5-6 घंटे डेजर्ट के अंदर है। तो मैं आपसे शेयर करूँगा कि भाई किस तरीके से यहाँ पे जो है वो डेजर्ट के लिए जो है किस तरह से मतलब उसको सेटअप वगैरह किया जाता है। सामान इस गाड़ी में आएगा, दोनों में आएगा, तो सामान रखवाते हैं भाई। और इस गाड़ी में सामान आएगा हमारी अकॉर्ड में, और वो दूसरी गाड़ी खड़ी हुई है। ये हमने जितना भी सामान लिया था, बट आई थिंक ये तो ऑलरेडी फुल है, लेकिन आ जाएगा सामान इसके अंदर। बैग निकाल लूँगा, हमने बैग निकाल लिया, स्कूटी भी रखी हुई हमारी। तो भाई आप ये देखें कि चारों तरफ अंधेरा है, और हम डेजर्ट में पहुंचने वाले हैं, और मैं आपको बाहर से दिखाऊंगा इसका। तो ये देखें ऑलमोस्ट हम ये साइड पे मेन रोड है, और एक गाड़ी हमारी आगे जा रही है, और ये ऑलमोस्ट हम सब पहुंचने वाले हैं। चारों तरफ बिल्कुल अंधेरा है। पाकिस्तान होता ना, अभी हमारे इतना डर लग रहा होता कि यहाँ पे कोई हमें आगे छीन ना ले। हाँ हाँ बाकी ऐसा ही है ना कि डाकू ना आ जाए रास्ते में। ये देखिए एक और कैंप है, ये चेक करें गाड़ी में थोड़ा आपको धुंधला नज़र आ रहा है। ये देखिए, तो भाई अब जैसे ही हम देखते हैं कि हमें कोई कौन सी सूटेबल प्लेस मिलती है, हम कैंप लगाते हैं। मतलब अगर हम अभी करोड़ रुपए का सामान लेके जा रहे हैं, हमें किसी चीज़ की टेंशन नहीं है। हाँ अभी बीच में क्या आत्मा खड़ी है क्या ये? अभी हाँ अब्दुल भाई, अभी अब्दुल भाई आत्मा खड़ी है, हैं है ना आत्मा थी ना। ये यहाँ पे हमारा रोड है। अब ये सोचें कि आप ये जब यूएई जो है वो जब पूरा रेगिस्तान होता था, तो कैसे ये लोग ट्रैवल करते होंगे, कैसे ये चीज़ों को एंजॉय करते होंगे, और किस तरीके से करते होंगे। मैं तो ये हैरत कर रहा हूँ कि कहाँ से कहाँ इन्होंने माशाल्लाह से दुबई को बचा लिया भाई। सारा कैम्प जो है देख, किस पे रेत उपड़ना है, ये आ गया कैम्प। और ये देखिए मैं यहाँ से थोड़ा आ जाता हूँ, देखिए इसको ओपन कर रहे हैं फुल। देखें अंधेरा हो रहा है रेगिस्तान में, और
बीच पे हम बट ये मेरे ख्याल से इसमें 10 नहीं जाएंगे। यस नाउ दिस इज गुड। लेकिन वलीद ये जो यहाँ से कर रहे हैं वेद में 10 नहीं जाएगा जी। हाँ ये तो ऐसे ही आएगा, चेक करें 4x4 जो है वो रेत में चल सकती है तो वो उसमें रहेगा। चलो भाई ये सेटअप हो गया और तुम भी नहीं आ रहे हैं, तुम भी मिस करते डेजर्ट को। Yeah, this is. So, this one is more upward. ऐसे भी इसको निकाल के ना नीचे करें। ये तो भाई ये रेडी हो चुका है और वहाँ पे हमारे पास सारा सामान, पानी की बोतलें, बीच में चीज ये और पीछे होगा। हाँ ना, क्योंकि अंदर रहेगा तो फिर। हाँ। सही। उसके थोड़ा थोड़ा और पीछे करा। कौन सा फ्रेम? एक बैग है, ये फ्रेम। तो फ्रेम बीच में लगेगा? एक इसलिए? अबे अरे यहाँ से गर्म हो रही है। We have two things. One is for cooking and one is for fire. So we put fire inside. Cooking we can do it in the corner. Yeah. कोई मसला नहीं है। इसमें बर्गर बनाएंगे? चाय 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 किस मतलब को आता है? अच्छा बनाना कड़क चाय किसको अच्छा आता है? खाना किसको अच्छा आता है? अब्दुल भाई बनाएंगे खाना। खाना या खाना 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 खाने पकाने वाला? नहीं नहीं खाना खाना, मैं तो डाइट पे हूँ। काफी लोगों ने कैंप किया हुआ रात में। हाँ रोज यहाँ पे कैंपिंग होती होगी, वीकेंड पे तो बहुत रश होता होगा फिर यहाँ। और ये सेट हो रहा है जब तक। ये क्या है हमारे पास? तो भाई ये देखिए मैप उसका 360 व्यू दिखाता हूँ, आप ये चेक करें यहाँ से। और ये देखिए रेत पूरी पूरी रेत हो रही है। और 360 व्यू और इसको ये हमने यहाँ पे कर दिया सेट। वो उनसे मांग लेते ना, वो भी तो है, वो एक कैंप हो रहा है। पता है क्यों जाना चाह रहे हो? वहाँ क्या है? अच्छी है यार, कंफर्टेबल है। हाँ यही सो यार। उमर सब क्या रह गया? अपने
और ये क्या है हमारे पास? हाँ वो खंबे तो लगा पेट्रोल करने का है ना। पहले क्या होगा, पेट्रोल नहीं डालना उनमें क्या? हाँ मेन चीज मिसिंग, ये भी हमें लगाना है अभी एंड में लगाएंगे। अब बिल्कुल आगे सारा सेटअप के बाद फिर पिक्चर आ जाएगा। हाँ अच्छा लगेगा।